नमस्कार दोस्तों, मैं आपका टीचर अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक्सेल की नेक्स्ट क्लास पढ़ने जाएंगे। पीछे से एक दो दिन से आपकी क्लासेस मिस हो रही थी, तो आज से फिर से रेगुलर क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो आइए उस चीज को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब पे क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। जैसे कि आपको आप जानते हैं कि हम लोग एक्सेल पे काम कर रहे थे, आपने बहुत कुछ एक्सेल से सीखा है और आज हम कोई चीज नहीं सीखने वाले हैं एक्सेल के बारे में। तो जैसे आपको मालूम है, हम लोग इसको ब्लैंक वर्कबुक से शुरू करते हैं हमेशा, या इवन अगर आपको पुरानी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं बुक खोल के, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी एड सब्ट्रैक्ट की थी। सब्ट्रैक्ट तो एक्चुअली इसमें नहीं था, एड और एवरेज था। तो चलिए ऐसे करते हैं, इसी में काम करते हैं आज, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले ये एड जो टोटल जो हमने किया है उसको डिलीट कर रहा हूं, ये जो इसको डिलीट कर रहा हूं, इसको डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। ये जो के रो है इसको भी डिलीट कर रहा हूं। मैं एक मिनट अपना जो की इंडिकेटर है उसको ऑन करके आया, प्लीज एक मिनट दीजिए मुझे। जी फ्रेंड्स, मैंने अपना की इंडिकेटर ऑन कर लिया है। तो आज पहले मैं बात करूंगा सब्स्ट्रक्शन के बारे में। सब्स्ट्रक्शन बहुत ही कम यूज होने वाला टूल है, बहुत ही रेयर यूज होता है सब्स्ट्रक्शन, क्योंकि वो मल्टीपल चीजों से तो माइनस होता नहीं है, किसी एक दो चीज से सब्स्ट्रक्शन माइनस होती है। तो मैं आपको वही चीज करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो उसके लिए इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, या आप इसको सीधा कर लीजिए, मतलब मैं जो करता हूं मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं, बहुत ही इजी है। 25 माइनस 20 ब्रैकेट क्लोज और एंटर, वो डायरेक्टली आपको 5 का आंसर दिखा देगा। जैसे नेक्स्ट इज 19, 36 माइनस 19 इट्स अ 17। अच्छा नेक्स्ट इज 32 माइनस 15 इट्स ऑल्सो अ 17। नेक्स्ट देखिए 14 माइनस 16 इज अ माइनस 2। तो ये डायरेक्टली आपको मतलब बता देगा, इसमें कोई सम ऑटो सम ऐसी कुछ चीजें करने वाली नहीं है। सीखना चाहते हैं आप यहाँ पे मोर फंक्शंस में जाइए, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, आप वहां से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये एक जेनरिक फॉर्मूला है जो बहुत रेयर यूज होता है, बहुत ही ज्यादा आपको कम यूज होने वाला फॉर्मूला है। ऐसे ही अगर हम डिवाइड की बात करें, इज इक्वल टू ब्रैकेट शुरू कर लीजिए, 25 डिवाइडेड बाय 20 ब्रैकेट बंद, एंटर करेंगे तो 1.25 इज ए आंसर। लाइक दिस ये चीजें ऐसे आपको मिल जाएंगी लाइक दिस, ठीक है। अगर मैं आपको कैलकुलेटर में दिखाऊं इसको करके, तो 25 डिवाइडेड बाय 20 तो 1.25, 20 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो इट्स अ 0.8, राइट। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं, इज इक्वल टू 20 सॉरी ब्रैकेट शुरू इज इक्वल टू ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट शुरू 20 डिवाइडेड बाय 25 ब्रैकेट बंद एंटर इट्स अ 0.8। सो इस तरह से इसकी ये चीज हो जाती है। सो इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूलाज। तो आगे हम कुछ आज कुछ नया करना सीखते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा एक नए बहुत ही बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में। हम लोग जो यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं ये भी डेफिनेटली करेंगे, बट वो लाइन पर लाइन करेंगे। ऐसा नहीं है मतलब एकदम से मैं आपको मतलब बहुत ही अच्छी चीजें बहुत ज्यादा बड़ी चीजें सिखा दूं। मैं आपको पाइवट टेबल आपको बताया था, अगर मैं आपको किसी ने नई क्लास देखी है तो मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ दे रहा हूं दोबारा से रिवाइज करने के लिए। तो इसको सिलेक्ट कीजिए, पाइवट टेबल पे क्लिक कीजिए, ओके क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे आपके पास टेबल्स आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अपने पास जो था सब्जेक्ट्स ये वो ऐसे वैसे थे, तो मैं इस चीज को ऐसे करता हूँ, सब्जेक्ट्स को कैंसिल करके ये पूरी की पूरी रो को डिलीट कर रहा हूं। मैं सारे सेल ऊपर शिफ्ट कर लिए हैं मैंने, ठीक है। इन दोनों को भी मैं शिफ्ट कर लूंगा लाइक दिस, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैं अपनी वो शीट पे जाता हूं और मैंने वो यहां पे रिफ्रेश करना है, यहां से रिफ्रेश हो जाएगा जी, ठीक है। एक्चुअली हुआ नहीं है तो ऐसे करते हैं, इसको दोबारा से लगा लेते हैं पाइवट टेबल, नॉट ए बिग डील। इसको डिलीट कर देते हैं शीट को, शीट वन पे गए,
सेलेक्ट किया, इंसर्ट पिवट टेबल, ओके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पे नेम लिख लूंगा रोज में। ठीक है, यहां पे अपने नेम आ गए हैं। उसके बाद यहां पे कॉलम्स में इस चीज, या फिर मैं इसको वैल्यूज भी लिख लू, इसका मैं काउंट ले लेता हूं। डेफिनेटली हर बंदे का एक ही है तो वन ही आएगा, आपको दिखाने के लिए इसका अगर सम करेंगे तो इसका सम आ जाएगा यहां पे। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको इस चीज का कर लेता हूं, हर चीज का ऐसे सम कर सकते हैं हम। टोटल होगा तो टोटल, मतलब ये एक बेसिक था इसके लिए, पिवट टेबल के लिए। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं इस शीट को डिलीट कर रहा हूं, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है करैक्टर की लेंथ। करैक्टर कोई भी हो सकता है, नेम इज ए करैक्टर, इंग्लिश इज ए करैक्टर, मैथ्स इज ए करैक्टर, साइंस इज ए करैक्टर, अंकित इज ए करैक्टर, ए बी सी ये भी करैक्टर्स हैं। ठीक है, तो आज हम इस चीज की करैक्टर्स की लेंथ को पढ़ेंगे। मैं इसमें से एक रो बना लूं, ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूं लेंथ। ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ध्यान से सीखिएगा, बहुत ही ईजी फॉर्मूला है। ठीक है, मैं इवन यहां भी नहीं बनाऊंगा, मैं ये इसको मैं यहां पे बना लेता हूं इंसर्ट करके, और इन रोज को जैसे मैंने आपको बताया था इसको आप हाइड कर दीजिए ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो। सो लेंथ बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, लिख लीजिए इज इक्वल टू एल ई एन, लेंथ का एल ई एन ब्रैकेट शुरू, इस कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए या जो भी कॉलम आपको करना है, वन ये वो, मैंने आपको पास में ले आया ताकि आपको इजिली समझा जाए, ब्रैकेट बंद और एंटर, इट्स अ फाइव। आनव में आपको दिख रहा है कि छह, आनव में भी पांच करेक्टर है, अगेन फाइव, ए में एक करेक्टर है ओनली वन। इसको आप इवन नेम का भी चेक कर सकते हैं, मैं लेंथ को यहां करके फोर कर सकता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सबको सेलेक्ट कीजिए, नीचे तक लेके जाइए, तो आप ये चीज करेक्टर चेक कर सकते हैं आप। ये करेक्टर चेक, अच्छा ये मर्ज सेंड, ये मर्ज सेल इसलिए चेक नहीं हो पाया, इसको आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए तो ये चेक कर देगा, आपको बता देगा कि इसका करेक्टर का कितना है रेफरेंस। ओके, इसको ऐसे कॉपी पेस्ट, पांच। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही छोटा सा टूल है, बहुत ही काम आने वाला है, तो इसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि वो उसकी लेंथ क्या है। ये मेजर टाइम्स ये चीज चेक होनी होती है कि इसमें आता क्या है। अब मैं इसको कैसे करूंगा, अब मैं इसको आपको नीचे सिखाने जा रहा हूं। आप इन सब कॉलम, इन सब रोज को कॉपी कर लीजिए। ठीक है, मैं यहां पे नई शीट ले लेता हूं। ठीक है, मैंने यहां पे डायरेक्टली पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी, जो कि बहुत गलत है। कंट्रोल वी करेंगे तो वो ऐसे आ जाएगा, देखिए ऐसे आर ई एफ रेफरेंस, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया कि वो क्या करे, कहां से डाटा लेकर रहा है अपना सारा, क्योंकि उसमें फॉर्मूलाज लगे हुए थे। बट हम लोग यहां से कंट्रोल वी नहीं करेंगे, हम लोग यहां से पेज स्पेशल करेंगे। पेज स्पेशल में यहां से वैल्यूज सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यूज आ जाएंगी यहां पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी फॉर्मूला को बताने जा रहा हूं, बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। लॉन्ग कट भी बताऊंगा, शॉर्टकट पहले बताऊंगा, लॉन्ग कट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग है और कुछ टॉपिक से कंबाइंड है। शॉर्टकट ये है, इसमें आपको वन देखिए बहुत बार आ रहा है, फाइव भी बहुत बार आ रहा है, टू भी बहुत बार आ रहा है। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट कीजिए पूरी की पूरी रो, डेटा पे जाइए, रिमूव डुप्लीकेट्स और ओके, बस सारे के सारे डुप्लीकेट वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, जो भी यूनिक वैल्यूज है फाइव वन टू एक एक बार वो सारी रह जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस टॉपिक, इन दोनों फॉर्मूलाज का रिव्यू कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से लगा के देखिए, और बेटर प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे लगा के देखिए मल्टीपल, और मुझे दिखाइए, इंस्टाग्राम पे दिखा दीजिए, ट्विटर पे दिखा दीजिए, सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कहीं भी आप मुझे सबमिट कर दीजिए, इवन कमेंट सेक्शन में, इवन आप मुझे मेल कर दीजिए, आपको मुझे मेल आईडी भी मिल जाएगी, फेसबुक पे भेज दीजिए, कहीं भी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।